हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू। आज मैं आपके लिए एक गोल्ड फिश वाले तोरण बनाकर लाई हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। ये गोल्ड फिश से तोरण की डिजाइन, तो देखिए मैं ये तोरण बनाई हूँ, बहुत ही सुंदर है, बनाने में भी बहुत ईजी है। तो इसकी वीडियो मैं टू पार्ट में बनाई हूँ। जैसे कि तोरण के पट्टे की वीडियो मैं बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, तो जाकर आप देख सकती हैं। पहले आप तोरण के पट्टी बना सकती हैं, इसकी लिंक भी मैं स्क्रीन पर मैं दे दूँगी। और देखिए इसके बाद लरी बनाकर ये तोरण की पट्टी में सारे मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। ये तोरण की डिजाइन बहुत ही ईजी है, तो चलिए देखिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, आप मेरी वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकेंगी। तो इसको मैं पहले सेट करती हूँ, उसके बाद में पहले मैं गोल्ड फिश में बनाऊँगी। इसके लिए मैं देखिए लाइट ब्लू कलर के मैं ऊन ली हूँ और 2 mm की मैं कुर्सी एज कर रही हूँ। और देखिए ये जो ऊन है ये पतली है, इसलिए मैं डबल करके बना रही हूँ। आप चाहे तो 4-ply के ऊन से बना सकती हैं। ये ऊन मैं इसलिए यूज कर दी क्योंकि ये ऊन जो है बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसमें रेशा नहीं निकलती है, इसे बेबी ऊन बोलते हैं। इसके बाद देखिए इस तरह से मैं गांठ लगा लूँगी। इसके बाद 3 chain बनाऊँगी, 1, 2, 3। 3 chain बनाने के बाद देखिए क्रोशिए पर 2 बार धागा लेते हुए फर्स्ट चैन में मैं क्रोशिए डालूंगी, यहाँ पर जहाँ से मैं स्टार्ट की थी, और इस तरह से ट्रिपल क्रोशिए में बना लूंगी। देखिए 1, 2, 3 3 बार मैं इसे बना लूंगी। तो देखिए छोटी सी सर्कल की तरह से बन गई है। इसके बाद 1 chain बनाऊंगी यहाँ पे, और ये जो क्रोशिए पर धागे इसको मैं इस तरह से खींच के ढीली कर लूंगी, और इसी जगह पर मैं क्रोशिए डालूंगी सर्कल में, इस तरह से फंदे उठाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखिए 8 फंदा मैं उठा ली हूँ। इसके बाद इसको मैं 3 बार में बंद करूंगी, देखिए इस तरह से 1, 2, 3 3 बार में इसे मैं बंद कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ से इस तरह से मैं पलट लूंगी बैक साइड से, और यहाँ पे इस तरह से मैं क्रोशिए पर मैं धागा लेते हुए और इस तरह से फंदे उठाऊंगी डबल क्रोशिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे कि मैं एक साइड में बनाई थी, सेम उस तरह से दूसरी साइड से, और यहाँ पर इसे 3 बार में से बंद करूंगी। 1, 2, 3 थोड़ी थोड़ी धागा छोड़ते हुए 3 बार में इसे बंद कर लूंगी। इसके बाद देखिए क्रोशिए पर 2 फंदा दिख रही है, तो इसको मैं एक इस तरह से बंद कर लूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का ऊन ज्वाइन करूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं गांठ लगाकर मैं ज्वाइन कर लूंगी, देखिए इस तरह से। अरे ब्लू कलर के जो धागे इसको मैं खींच के टाइट कर लूंगी, और इसके बाद देखिए ये जो क्रोशिए पर धागे इसको इस तरह से खींच के ढीली कर लूंगी, और सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिए डालूंगी, देखिए इस तरह से। और इस तरह से 1 फंदा उठाऊंगी, और इसके बाद देखिए ये जो 3 बार में बंद की थी ये धागे देखिए दिख रही है, इसे आप चैन भी बोल सकती हैं। तो यहाँ पर मैं क्रोशिए डालूंगी, और इस तरह से फर्स्ट चैन में मैं 4 बार इस तरह से उठाऊंगी डबल क्रोशिए, देखिए 1, 2, 3, 4। इसके बाद इसकी नेक्स्ट जो चैन है यहाँ पर क्रोशिए डालूंगी, और यहाँ पे भी मैं 4 बार में उठाऊंगी, देखिए 1, 2, 3, 4। इसके बाद देखिए लास्ट जो चैन है यहाँ पे क्रोशिए डालूंगी, और यहाँ पे भी मैं 4 बार उठाऊंगी, 1, 2, 3, 4। और इसके बाद ये जो क्रोशिए पर धागे है ये फंदा, उसको मैं 6 बार में इसे बंद करूंगी, देखिए थोड़ी थोड़ी धागा छोड़ते हुए, 1, 2,
थ्री फोर फाइव सिक्स, देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ से इस तरह से मैं पलट लूँगी। इसके बाद देखिए सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी जहाँ से मैं वन फंदा उठाई थी उसी जगह पर, और वन फंदा मैं इस तरह से उठा लूँगी। देखिए ये टू धागे हैं, इसको दोनों धागे में इस तरह से क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से वन फंदा मैं उठा ली हूँ। इसके बाद देखिए ये थ्री चैन है, थ्री चैन में फोर फोर फंदे उठाते हुए मैं कंप्लीट करूँगी। जैसे कि मैं एक साइड बनाई हूँ सेम उसी तरह से दूसरी साइड से भी बना लूँगी। देखिए फ्रेंड जैसे कि मैं एक साइड बनाई थी सेम उसी तरह से दूसरी साइड से भी बना ली हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का वन में ज्वाइन करूँगी, और देखिए इस तरह से मैं ज्वाइन कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं पूरी टेन चैन बना लूँगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इसके बाद देखिए सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी। देखिए टू फंदा था इसको मैं बंद की थी, सेम उसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं टेन चेन बनाऊँगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। और देखिए सेम इसी जगह पर इस तरह से मैं क्रोशिया डालूँगी, ये ब्लू कलर के जो धागे इसमें इस तरह से यहाँ पे डालते हुए स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। टेन चेन बनाऊँगी, इसके बाद देखिए सेम इसी जगह पर मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पर सिक्स चैन बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और देखिए लास्ट चैन में मैं क्रोशिया डालूंगी इस तरह से यहाँ पे, और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। तो देखिए ये फिश का टेल बन रही है कुछ देर, देखिए इस तरह से बना ली मैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं एट चैन बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और देखिए इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी यहाँ पे और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं एट चैन बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और देखिए सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे वन चैन बना लूँगी, और ये जो क्रोशिया पर धागे इसको मैं ढीली कर लूँगी, और देखिए दोनों कलर के बीच में यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद वन चैन बनाऊँगी और जो क्रोशिया पर धागे इसको मैं ढीली कर लूँगी और यहाँ पे क्रोशिया डालूँगी और सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर मैं फोर चैन बनाऊँगी, वन टू थ्री फोर, और देखिए यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डालूँगी और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद देखिए दोबारा मैं इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाऊँगी। इसके बाद देखिए सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी दोबारा और स्लिप स्टिच बनाऊँगी। इसके बाद मैं फोर चैन बना लूँगी, वन टू थ्री फोर, और देखिए यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डालते हुए इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद देखिए वन चैन बनाऊँगी और ये जो क्रोशिया पर धागे इसको मैं ढीली कर लूँगी। जैसे कि मैं ये साइड बनाई हूँ सेम उसी तरह से दूसरी साइड से बना लूँगी। देखिए यहाँ पे मैं दोनों कलर के बीच में इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी, वन चैन बनाऊँगी। इसके बाद देखिए क्रोशिया पर जो धागे इसको मैं ढीली करूँगी और यहाँ पर मैं क्रोशिया डालूँगी।
और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ज्वाइंट कर लूँगी। इसके बाद 8 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइंट कर लूँगी। 8 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से ज्वाइंट कर लूँगी। इसके बाद 6 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर देखिए बीच में मैं दोनों कलर के बीच में यहाँ पर मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से ज्वाइंट कर लूँगी। इसके बाद देखिए 1 चेन बनाकर उनको मैं कट कर लूँगी। फीस कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फीस बन गई है, इसे गोल्ड फीस बोलते हैं। इसके वाइट कलर का उनको भी कट कर लूँगी मैं, अरे दोनों कलर के धागे को मैं यहाँ पे गांठ लगा लूँगी। गांठ लगाने के बाद अच्छी से मैं फिनिशिंग कर लूँगी ताकि ये धागे दिखे नहीं। एक्स्ट्रा जो धागे है इसको मैं कट कर लूँगी। तो फिनिशिंग करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से धागे में पूरी फिनिशिंग कर ली हूँ, तो फीस एक इस तरह से कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं फीस की आई बना लूँगी। आई बनाने के लिए मैं देखिए गोल्डन कलर का मैं मोती ली हूँ। आई फीस के आई जो है चमकीली होती है, हल्का शाइनिंग आती है, तो इसलिए मैं गोल्डन कलर का मोती मैं यूज कर रही हूँ। देखिए ये जो मोती है, मोती के बीच में देखिए हॉल जो दिख रही है छेदा, इसको मैं ऊपर रखूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर इस तरह से रखूँगी तो ये ब्लैक कलर जैसा होती है, इस तरह से दिखेगी। तो इसको मैं चिपका लूँगी ग्लू गन से ताकि ये जो है मोती निकलेगी नहीं। देखिए ये ग्लू गन से मैं इसे चिपका लूँगी। हल्की सी ग्लू गन लगाकर ये मोती को यहाँ पर इस तरह से देखिए ये चिपक गई है दोनों साइड से। हल्का हल्का मैं ग्लू गन लगा लूंगी। देखिए फीस की आई ये इस तरह से बन गई है। तो फीस पूरी एक कंप्लीट कर ली हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बन गई है फीस। देखिए फीस का आई इस तरह से मैं लगा ली हूँ चिपका कर। देखिए इस तरह से दिख रही है, देखिए बहुत ही सुंदर ये गोल्ड फीस दिख रही है। इसके बाद मैं डोरी बनाऊंगी। डोरी में देखिए व्हाइट कलर से मैं लटकन बनाऊंगी, तोरण की लरी जो बनती है लरी में बनाऊंगी। देखिए इसमें मैं यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से उनको मैं ज्वाइंट कर लूंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे मैं 10 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन छोड़कर फोर्थ चेन में मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से 4 बार में उठाऊंगी डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बोल सकती हैं या फिर 4 फंदा भी इसे बोल सकती हैं आप। तो इस तरह से उठा लूँगी और एक साथ में निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से बन गई है पफ की तरह डिजाइन। इसके बाद मैं 10 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सेम उसी तरह से करूँगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन छोड़कर फोर्थ चेन में मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से 4 फंदा उठा लूँगी क्रोशिया पर धागा लेते हुए। देखिए इस तरह से 4 बार मैं उठा ली हूँ। इसके बाद एक साथ में इसे छोड़ लूँगी। देखिए इस तरह से बन गई है 2 पफ। इसके बाद 4 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर उनको मैं कट कर लूँगी थोड़ी सी छोड़कर, जिससे कि मैं तोरण के पट्टी में ज्वाइन करूँगी।
देखिए इस तरह से मैं लरी बना रही हूँ और ये जो धागे दिख रही है इसको बैक साइड से मैं फिनिशिंग कर लूँगी इस तरह से अंदर करके। देखिए इस तरह से बन गई है। तो सेम इसी तरह से सारे फीस में मैं लरी बना लूँगी, जैसे कि इसमें दो बनाई हूँ, ये टू पफ बनाई हूँ, फोर बनाऊँगी, सिक्स बनाऊँगी, इस तरह से बना लूँगी। आपको जितनी लंबी लरी रखनी है उसके अकॉर्डिंग भी आप बना सकती हैं। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, जैसे कि देखिए फीस जो मैं बनाई हूँ बैक साइड और फ्रंट साइड दिख रही है। देखिए बैक साइड यहाँ पे धागे दिख रही है, तो इसको बैक साइड में रखूँगी, फ्रंट साइड में इस तरह से रखूँगी। जो फीस इस साइड से इसकी माउथ रखनी है तो उसमें यहाँ पे लरी बनाएंगे, और जो जिसको इधर रखनी है उसको यहाँ पर, जैसे कि देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं लरी बना ली हूँ। सेम इसी तरह से सारे फीस में लरी बना लूँगी। तो देखिए लाइट ब्लू और वाइट कलर जो है फीस, ये मैं पूरी 16 फीस में बना लूँगी, और ब्राउन और वाइट कलर जो है इसको मैं 14 फीस बनाऊँगी, और ऑरेंज कलर का जो है इसमें मैं 4 पीस बनाऊँगी। तो ये मैं पूरी कंप्लीट करके लरी भी मैं बना के मैं रखी हूँ, आपको मैं दिखा रही हूँ। इसको पहले सेट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स सारे लरी में बनाकर तोरण की पट्टी में देखिए मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से मैं फंसा के रखी हूँ ताकि आपको दिखाने में मुझे इजी होगी और आप आसानी से देखकर समझ सकेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं सारे पट्टी में लरी में ज्वाइंट कर ली हूँ। देखिए ऑरेंज कलर का जो पट यहाँ पे फीस में लगाई हूँ, इसमें मैं देखिए पफ में नहीं बनाई हूँ, डायरेक्ट इसी तरह से यहाँ पर ज्वाइंट कर लूँगी फंसा कर। देखिए इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से फंसा कर मैं गांठ लगा लूंगी। इसके बाद देखिए ये जो लरी मैं बनाई हूँ, ये ब्लू कलर का जो लाइट ब्लू कलर का जो फीस है इसमें मैं देखिए लरी, ये जो पफ जो है स्टार्टिंग में टू पफ बनाई हूँ, इसके बाद 3, 4, 5 इस तरह से पफ वन पफ मैं बढ़ाते गई हूँ। और ये जो ब्राउन कलर वाला जो फीस है इसमें देखिए यहाँ पे मैं 5 पफ लरी बनाई हूँ, 5 इसके बाद 6, 7 इसमें भी इस साइड से भी 5, 6, 7 इस तरह से मैं वन पफ बढ़ाते हुए लरी को मैं बना ली हूँ। बीच में देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी लरी है, इसमें मैं 2 कलर का फीस मैं ऐड की हूँ, ब्राउन कलर और ऑरेंज कलर में। तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी बनाकर मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। और फ्रेंड्स ये तोरण के पट्टी की वीडियो में बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, तो प्लीज़ आप जाकर देख सकती हैं, देखकर बना सकती हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और स्क्रीन पर भी दिखेगी आपको लिंक, तो वीडियो जाकर आप देखकर बना सकती हैं। तो सारे लरी को मैं पूरी ज्वाइंट कर लूँगी, ज्वाइंट करके कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स सारे लरी में तोरण के पट्टी में मैं ज्वाइन कर ली हूँ, तो ये तोरण पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है तोरण, ये मैं दरवाजे में मैं लगा कर आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये जो डिजाइन है बहुत ही इजी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसानी से आप बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहती हैं प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।